अब देखिए ध्वज। ये देखिए घंटियों का ये श्रृंखला। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सभी का आप सभी का स्वागत है हमारे मंदिरों की श्रृंखला में। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो मंजिल था भोलेनाथ के दर्शन करने का, वो अब आप लोगों के सम्मुख है। बस हम पहुंच चुके हैं। ये है भोलेनाथ का भव्य मंदिर थल केदार में जो है। अब हम मंदिर प्रांगण में एंट्री करेंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम सारा कार्य करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं हम भोलेनाथ के दरबार पर। जय भोलेनाथ। ये है मंदिर के पुजारी जी। अब हम ले जाएंगे आपको मंदिर के प्रांगण में के अंदर भीतरी छोड़ में। जहाँ पर आप देख सकते हैं भली भांति साक्षात भोलेनाथ का यह भव्य मंदिर, जो लाखों श्रद्धालुओं का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा थल केदार का यह भव्य मंदिर जो लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है, जहाँ पर भक्तगण समय समय पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और हम परिक्रमा करके दिखाएंगे आपको भोलेनाथ की यह पवित्र भूमि में चारों तरफ से कि कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे देखो घंटियों का जय भोले शंकर। मंदिर के आप किसी भी हिस्से से देखिए, मंदिर का दृश्य वही दिखेगा। मंदिर को ही इस रूप से बनाया गया है कि आप चारों दिशाओं में से कहीं से भी देखें, हर तरफ से एक जैसा ही आपको लगेगा। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की जैसे कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। मन्नतें पूरी करने होने पर यहाँ पे घंटियाँ समर्पित की हुई हैं। ये देखिए घंटियों का ये श्रृंखला हर तरफ से आपको दिखाया जा रहा है। इस साइड से भी अगर हम देखते हैं भोलेनाथ का यह धाम, तो खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब आस्था का यह पवित्र केंद्र है। और इस तरफ से अगर आप देखते हो तो इस तरफ से भी आपको वही दृश्य दिखेगा, क्योंकि यह भोलेनाथ का जो मंदिर है, छोटे से शहर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बड़ावे गांव से जो होती है एक सड़क, उसी सड़क पर रास्ते पे थल केदार का यह भव्य गेट आपको दिख जाएगा। और इसी गेट से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद एक पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर स्थापित किया गया है, जहाँ पर यह भोलेनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर है। श्रद्धालु आए दिन यहाँ पे आते रहते हैं और भोलेनाथ जी के मंदिर पे आके अपना दर्शन करते हैं। जैसे कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे देखिए ध्वज लहराता हुआ। और
यहाँ पर ये नंदी बैल महाराज द्वार पर, जैसे कि आप कुछ भली भांति जानते हैं दोस्तों, पंडित जी का कहना है और क्षेत्रवासियों का भी कहना है, जो व्यक्ति थलकेदार मंदिर आता है उसे यहाँ से जाने के बाद बड़ावे में स्थित लटेश्वर महाराज के मंदिर में भी जाना जरूरी है, वहाँ दर्शन करना भी जरूरी माना जाता है, इसलिए यहाँ के बाद हम लटेश्वर मंदिर भी जाएंगे। ये यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी हैं जो आए हुए भक्तों को टीका लगा रहे हैं। मुंशियारी के हुए दोस्तों, ये है मंदिर का गर्भगृह जहाँ पर थलकेदार बाबा को शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है और शिवलिंग के चारों तरफ नाग विराजमान है। तो देखिए कितना खूबसूरत यह दृश्य है। अब हम मंदिर की पूरी परिक्रमा करके आपको दिखाएंगे, जिसमें यहाँ पे भी नंदी महाराज बैठे हुए हैं और मान्यता है कि यहाँ पे इनकी शक्तियाँ साक्षात देखी जाती हैं। और यह देखिए गर्भगृह में शिवलिंग, खूबसूरत दृश्य। आज का थोड़ी प्राचीन काल का मंदिर है। अच्छा, भोले बाबा का है। वैसे मतलब कब से यहाँ पे थापी गया था? ये हमको ऐसा हुआ कि थापने वाली बात नहीं हुई, फूलिंग था। ये फूलिंग थी तो इनका मतलब सिर जो है केदारनाथ में है, धड़ जो है यहाँ पर। जब तब से यहाँ तो पे पूजा की जाने वाली है, तब से पूजा की जाने, पहले खाली खुले में थे, खुले के बाद फिर आदमी आए, उन्होंने पत्थर का बनाया, करते करते लेंटर का बना, तो आज इसकी कृपा से नया निर्माण हुआ तो और बढ़िया मंदिर बन गया। अच्छा, जो भी इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रखा है, जैसे ये किसकी बदौलत हुई, किसी गांव की मदद से या सरकार? नहीं, ये सरकार से हमको पैसा, सरकार से हमकी कोई मदद नहीं है। ये हमारे ये खड़ग सिंह जी जो वैज्ञानिक साहब थे, अभी ख़त्म हो गए हो, तो उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि एक दिन यहाँ आए, बोला पंडित जी मंदिर की हालत है, मैंने कहा यही हालत है हमारे मंदिर की, तो कोई अब कोई उठता नहीं, खड़ा नहीं होता है, तो बोला पंडित जी हम खड़े होते हैं। तो उनके साथ मैंने सहयोग दिया, बाबा ने दिया, तो हमारा करोड़ से ऊपर लग गया। इसमें बाकी फिर भोलेनाथ की कृपा है, बाकी भोलेनाथ की कृपा है, कृपा इतनी अपरम पाया माया होगी, कोई कमी नहीं हुई। हाँ, भोलेनाथ की भी साक्षात शक्ति, साक्षात शक्ति है, कहाँ ऐसे पहुँचती है कोई कह नहीं सकते। शहर से इतनी ऊँची हाइट में इतने बड़े, तो दस से भी ऊँची चाहती है। हाँ, ऐसे जगह में इतना भव्य मंदिर बनना बहुत बड़ी बात है, तो कृपा इनकी है बाबू, कृपा इनकी है, सब अच्छा है। बोले जो भी आया, जो जिसने जो भी मांगा, बोले बाबा खुश है, प्रसन्न है, निराकार प्रभु हैं, किसी को भी कुछ दे देते हैं बाबा। हाँ भैया,
खुश रहते हैं वो प्रभु। हाँ, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की कृपा बड़ी अच्छी माया है। तो ये पुराना समय की बहुत कितने करोड़ कितने साल हो गए क्या पता है भगवान की कृपा होते हैं। तो ये कहानी इनकी क्या है बाबा के बारे में तो अभ्यास मतलब व्याख्यान करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ कथाएँ तो फिर अनंत छड़ी अनंत है। और भाई किताब से ले जाते हो तो किताब से भी ले जाओ। हाँ बाकी हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी बताने के लिए। किताब भी दे देंगे आपको उसमें। दूर का दृश्य देखते हैं, देखिए चोटियाँ किस तरह से कितनी तलहटी में दिख रहे हैं आपको। इस क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कहलाता है यहाँ पे और है भी सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र का। देखिए दूर दूर तक अगर हम नजरें घुमाएं तो हर चोटी आपको इस पवित्र भूमि से नीचे ही दिखेगा क्योंकि इस इलाके का सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर स्थापित किया गया है। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं लटेश्वर की ओर। देखा होगा आप लोगों ने थल केदार का पवित्र मंदिर आपको सब दिख जाए। हाँ कैमरे में क्या बोलना चाहेंगे बताओ। कैमरे में मैं ये बोलना चाहूंगी अभी तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज कहाँ गई थल केदार गई। ढलान में चलना है फिसलन काफी है तो फिर दोबारा भोलेनाथ जी का बुलावा आएगा तो हम जरूर आएंगे यहाँ फिर से दर्शन करने। तो धन्य हो गए सारे भक्तगण। और मेरे साथ है ये मेरा छोटा भाई है ये। हेलो। हाइट में हालांकि बड़ा है पर है छोटा भाई। और ये भी हमारे टीम का सदस्य है आज के लिए ये भी आया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में लटेश्वर महाराज बड़ावे के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।